हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ सुनील मंत्री एंड यू आर वॉचिंग जागृति ऑनलाइन लर्निंग ऐप। बच्चों, अपने जो प्रीवियस क्लास में ईथर का जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ था उसमें चल रहा था, और उसमें अपने ने CO बॉन्ड क्लीवेज की एक रिएक्शन कराई थी, रिएक्शन विथ HX, या इसी को बोलते हैं जीसल मेथड। ये रिएक्शन अपन ने कंप्लीट कर ली थी। अब आज उससे आगे अपन कुछ करवाएंगे, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट करवाएंगे और आज ये चैप्टर अपन फिनिश कर देंगे। तो अब अपन CO बॉन्ड क्लीवेज के अंदर ही रिएक्शन आती है HX के बाद में, फर्स्ट HX था, अब उसके बाद में सेकंड रिएक्शन आएगा हाइड्रोलाइसिस। तो रिएक्शन का नाम क्या है? हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस वर्ड का मतलब होता है वाटर के साथ रिएक्शन करके ब्रेक डाउन करना। अब वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, और इथर क्या होता है? मैंने बोला था RO और R डैश या R, इसको अपन क्या बोलते हैं? इथर। और वाटर जो है वो क्या होता है? H और OH, ये वाटर है। अब एसिडिक मीडियम में जब इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे अपन, तो अपन कहेंगे C और O या O और R का ये बॉन्ड तोड़ेंगे, ब्रेक कर देंगे। और ब्रेक करने के बाद में ये बॉन्ड ब्रेक हो गया अपना, तो R O और O के साथ कौन चला जाएगा? H, जबकि R डैश के साथ क्या चला जाएगा? OH। तो ये जो रिएक्शन है इसमें ये बन जाएगा ROH प्लस R डैश OH। ये दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। अगर R और R डैश सेम है तो दोनों मॉलिक्यूल भी क्या होंगे? सेम होंगे। ये रिएक्शन अपने अल्कोहल की प्रिपरेशन तक की हो गई अपनी, जिसमें अपन अल्कोहल कैसे बना सकते हैं? ईथर से भी अल्कोहल बन सकता है ड्यू टू द हाइड्रोलाइसिस। अब R की वैल्यू अपन क्या रख देते हैं? CH3, CH2 और O, फिर वापस CH2, CH3, दोनों सेम ही रखते हैं। और अब अपन को रिएक्शन किसके साथ करनी है? वाटर के साथ। वाटर का फॉर्मूला H और OH, और मीडियम क्या रखा है? सेम, एसिडिक मीडियम। अब जब इसको ब्रेक डाउन करेंगे अपन, तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है? CO। दोनों तरफ इक्वल है, कोई भी ब्रेक करो। तो अपन मान लेते हैं यहाँ से कौन सा बॉन्ड तोड़ा मैंने, ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया। तो अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, और उधर कौन सा? वाटर का OH वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब इसमें बनेगा क्या देखते हैं। CH3 CH2 O के साथ जाएगा H, क्योंकि O नेगेटिव है और CH2 क्या है? पॉजिटिव है। तो यहाँ बन जाएगा CH3 CH2 और OH, ये बन गया अल्कोहल। अब दूसरा जो मॉलिक्यूल है CH3 CH2 और उसके साथ कौन जाएगा? OH। तो कुल मिला के ये ऐसे कितने मॉलिक्यूल बन गए अपने पास? दो मॉलिक्यूल बन गए। तो ये दो मॉलिक्यूल जो बने हैं ये किसकी प्रेजेंस में बने हैं? यहाँ पे CH3 CH2 O और CH2 CH3 के साथ वो OH लग गया, और इसमें टोटल जो है अपने अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल बन गए, प्रिपेयर हो गए। तो ये जो रिएक्शन थी इसको अपन क्या बोलते हैं? हाइड्रोलाइसिस। अब इसके बाद में थर्ड रिएक्शन करते हैं अपन। थर्ड रिएक्शन इसी में कर देते हैं, रिडक्शन। कौन सी रिएक्शन करते हैं? थर्ड रिडक्शन। अब रिडक्शन में अपन अगर मान लो ईथर का रिडक्शन करेंगे, और ईथर का रिडक्शन ये मान लो ईथर यही ले लिया सेम, CH3 CH2 O फिर CH2 CH3, ये ले लिया, और इसमें दो हाइड्रोजन रिड्यूस हो गए, सोडियम और अमोनिया Na और NH3, इसकी प्रेजेंस में करेंगे। सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल है, वो अमोनिया से रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस को एलिमिनेट करेगा। अब ये दोनों है जाएंगे कहाँ पे? अब एक तो ये देखो, ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया मैंने, CH3 CH2 O के साथ में क्या चला जाएगा? एक H, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 OH, एक तो अल्कोहल और दूसरा एक और H इस पे चला जाएगा CH2 के साथ, CH3-CH3। तो ये जो दो मॉलिक्यूल बन गए, और लिक्विड किसकी प्रेजेंस में करवाई अपन ने? रिएक्शन सोडियम विथ अमोनिया की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराई, एक अल्कोहल और एक एल्केन बन गया।
यही रिएक्शन अगर अपन रेड फॉस्फोरस एच आई की प्रेजेंस में करवाते हैं तो दोनों ही एल्केन बनेंगे। देख लेते हैं वो भी रिएक्शन रिडक्शन में। सेम मॉलिक्यूल लेते हैं CH2 और CH3, और प्लस इसमें ले लिया अपन ने आगे एच आई। अब एच आई के कितने मॉलिक्यूल ले ताकि ये एल्केन बन जाएगा, तो अपन पहले चार मॉलिक्यूल लेते हैं 4HI, और प्रेजेंस किसकी प्रेजेंस होती है यहाँ पे, रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में अगर कोई भी HI वगैरह आता है तो उसमें आपको एल्केन ही बनाना, चाहे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, एल्केन हेलो एल्केन हो, चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, जब ये दोनों चीज़ आएगी तो आपको एल्केन बनाना है। तो H मेरे पास 4 है, उसमें से 2 H जो है एक H2O को रिमूव करेंगे और एक H CH2 पे और एक H इस CH2 पे लग जाएगा, तो कुल मिला के CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 के 2 मॉलिक्यूल प्लस एक H2O रिमूव हुआ और प्लस इसमें क्या निकला है I2, ये चीज़ बन गई। तो इस रिएक्शन में अपन ने बनाया एल्केन बना दिया, और ये कौन सी रिएक्शन थी, रिडक्शन रिएक्शन थी जिसमें अपन ने एल्केन बनाए हैं, तो इसको अपन रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। इसके अलावा अगली रिएक्शन आएगी अपने, इसके बाद में फोर्थ रिएक्शन आएगी, रिडक्शन विथ एसिटाइल क्लोराइड या एसिटाइल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करना अपन को, तो ये नोट कर लिया जाए। उसके बाद अपन नेक्स्ट करते हैं टॉपिक, रिएक्शन विथ एसिटाइल क्लोराइड, फोर्थ रिएक्शन विथ एसिटाइल क्लोराइड। तो एसिटाइल क्लोराइड के साथ ये रिएक्शन करनी है। एसिटाइल क्लोराइड का फॉर्मूला पहले अपन बताएंगे, इसमें CH3CO और Cl, ये फॉर्मूला है एसिटाइल क्लोराइड का, CH3CO Cl। अब इसमें रिएक्शन कैसे करनी है अपन को, मैंने ले लिया ईथर CH3CH2O CH2 और CH3, ये ले लिया ईथर, और इसी की रिएक्शन CH3CO Cl इसके साथ करेंगे, हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो यहाँ पर क्या बनेगा देखो, सी और सी एल का बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये भी बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में देखो CH3CH2 पॉजिटिव है, वो जाएगा सी एल के साथ, और ये पूरा ग्रुप है CH3CH2O वाला, वो जाएगा CH3CO एसिटो ग्रुप के साथ, तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट देखते हैं, CH3CO ये तो ये आ गया। अब O वाला जो पूरा ग्रुप है वो यहाँ लग जाएगा, O CH2 CH3 प्लस साथ में एक मॉलिक्यूल और निकलेगा CH3CH2 Cl, ये बन गया हेलो एल्केन बन गया, और एक ईस्टर बना। अब ईस्टर का नाम लिखना अपन को कैसे लिखना है देखो, CH3CH2 का नाम आगे लिखेंगे और इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल, और ये जो दो कार्बन है इसको अपन क्या बोलते हैं, इथेनोइट ये बन गया इसमें, और प्लस ये हेलो एल्केन इथाइल क्लोराइड बन गया बाई प्रोडक्ट में। अब अपन करते हैं इसके आगे एसिटाइल क्लोराइड के साथ बाद में जो रिएक्शन आएगी फिफ्थ, वो आएगी रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड, रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड। अब एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, अपन को पहले एसिटिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर बताना है, CH3CO और CH3CO और इन दोनों के बीच में O अगर आ जाता है इसी को अपन क्या बोलते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। अब अपन लेंगे रिएक्शन, पहले तो ईथर ले लेते हैं, CH3CH2O CH2 और CH3,
ये ले लिया और फिर इसकी रिएक्शन ये एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ CH3CO और ये दोनों इस O से कनेक्ट हो गए। CO जो है इस O से, ये एनहाइड्राइड ग्रुप आता है। कहीं पे भी अगर ये ग्रुप आता है इसको कौन सा ग्रुप बोलेंगे अपन, एनहाइड्राइड ग्रुप। अब आपको रिएक्शन करनी है, बॉन्ड ब्रेक करना है। देखो कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है, CO बॉन्ड क्लीवेज करना है। टॉपिक यही चल रहा था, CO बॉन्ड ब्रेक इसमें भी किया था अपन ने, अब इसमें भी करेंगे। ये बॉन्ड तोड़ा, O माइनस CH2 क्या है प्लस। सी और ओ में से भी अपन कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा, ओ माइनस की और सी पे क्या है प्लस। अब इनको आपस में कनेक्ट कर दो, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ। तो ये पूरा ग्रुप जो है वो पूरा ग्रुप जाएगा ये CH3CO के साथ। तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, CH3CO ये लिख दिया मैंने इस वाले ग्रुप का, और यहाँ से ये पूरा ग्रुप अपन ने ले लिया OCH2CH3। और ऐसे ऐसे आपको कितने मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, दो। तो ये दो मॉलिक्यूल है जिसमें अपन ने ये रिएक्शन करी है। तो इसमें करा क्या है अपन ने, कौन सा बॉन्ड ब्रेक किया अपन ने, सी और ओ का बॉन्ड ब्रेक किया है और इसके साथ में ये बन गया। अच्छा, ये वाला जो ग्रुप है इसको अगर इसके साथ लगाएंगे तो भी यही बनेगा, और इसको इसके साथ लगाएंगे तो भी यही बनेगा। दोनों सेम प्रोडक्ट बन जाएंगे और दोनों ही क्या बनेंगे इसके अंदर, ईस्टर। तो ईस्टर बनाने की रिएक्शंस में भी अपन ये लिख सकते हैं, हाउ विल यू प्रिपेयर ईस्टर फ्रॉम ईथर। तो इस रिएक्शन में अपन ये लिख सकते हैं ईस्टर को ईथर के साथ, या ईस्टर को ईथर से अपन कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो ये रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है। अब अगली रिएक्शन आती है इसमें डिहाइड्रेशन, इसी में लिख देते हैं 6 रिएक्शन। डिहाइड्रेशन वर्ड का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करना। अब अपन ने जो लिया इसमें डिहाइड्रेशन में, ये ईथर ले लिया CH3CH2 O CH2 CH3, और इसी को आपने हीट किया Al2O3 के साथ, टेम्परेचर 653 केल्विन। टेम्परेचर याद रखना है, 523 आएगा तो अलग चीज़ बनेगा और इसमें 653 आया, हाई टेम्परेचर आया है तो इसमें एक अलग चीज़ बनता है। इसको अगर हीट करेंगे 653 पे, तो यहाँ पर आप अपन में से इसमें से H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा, एक एच यहाँ से, और दो डबल बॉन्ड आ जाएंगे, मतलब इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऐसे कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, दो। प्लस देखो यहाँ से एक एच रिमूव किया और यहाँ से भी एक एच, दोनों एच किसके साथ चले गए, ओ के साथ, और कौन सा मॉलिक्यूल रिमूव हुआ यहाँ से, H2O। तो ये डबल बॉन्ड के साथ जो आया इसी का नाम अपन रख देते हैं इथीन। इसका नाम क्या रखते हैं इसमें, इथीन प्लस वाटर। तो ये था डिहाइड्रेशन, और 7th रिएक्शन है रिएक्शन विद कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन कैसे करनी है, CH3CH2 O CH2 और CH3 प्लस सी ट्रिपल बॉन्ड ओ, कार्बन मोनोऑक्साइड है ये, और BF3 की प्रेजेंस में ले सकते हैं, बोरॉन ट्राईफ्लोराइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। और बनता क्या है इसमें, CH3CH2O और बीच में आ गया CO, इसमें भी ये बॉन्ड ब्रेक किया अपन ने और CO ग्रुप को अरेंज किया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया यहाँ से, देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया,
ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, और इसके बीच में कौन सा ग्रुप आ गया, कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया, CO ग्रुप एक्स्ट्रा लगाया, बाकी कोई चेंजेस नहीं किया इस रिएक्शन में। तो रिएक्शन में जो बना है आगे भी प्रोडक्ट क्या बना है, ईस्टर बना है। और ईस्टर का नाम कैसे लिखते हैं अपन, CH3 CH2 का नाम पहले आगे लिखेंगे, और आगे क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसका नाम है इथाइल। और अब ये तीन कार्बन की चेन है, इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोपेनोएट, प्रोपेनोएट, ये ईस्टर का नोमेनक्लेचर है, इथाइल प्रोपेनोएट। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ और डिहाइड्रेशन रिएक्शंस को कैसे करना है, और अगर एक कंबजन रिएक्शन है उसमें लास्ट अपने पास क्या बनता है, CO2 और वाटर मॉलिक्यूल बन जाते हैं। ये चीज़ अपने पास ईथर में लास्ट टॉपिक यही था, रिएक्शंस ख़त्म हो गई। तो इनको अपन किसके फॉर्म में यूज ले सकते हैं, ईथर को जनरली डाईथाइल ईथर का यूज जो है अपन एनेस्थीसिया में भी कर सकते हैं। एनेस्थीसिया का मतलब किसी को भी बेहोश करना है तो आप उसमें यूज कर सकते हैं, इथाइल ईथर का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा परफ्यूम फैक्ट्री वगैरह जो होती है, परफ्यूम बनाने वाला या इत्र बनाने वाला, अपन बोलते हैं इत्र, इत्र आप किससे बना सकते हो, ईथर से। और ईथर का यूज एक और यूज में लेते हैं अपन, सॉल्वेंट, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिजोल्व करना है तो आप किसका यूज ले सकते हैं, ईथर का। तो ये सारे यूजेज है, एज ए सॉल्वेंट, एज ए ये एनेस्थीसिया पर्पज, और एज ए अपन क्या बोल सकते हैं, कोई भी सर्जरी वगैरह करते हैं तो इसमें एनेस्थीसिया का यूज होता है। और इसके अलावा इत्र, इत्र का मतलब है परफ्यूम फैक्ट्री वगैरह या परफ्यूम में इसका यूज, इथर का यूज अपन ले सकते हैं। तो ये चैप्टर अपना यहीं फिनिश होता है, नेक्स्ट चैप्टर अपन अभी इसके आगे करते हैं। जो चैप्टर अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो कौन सा है, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वो एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो ये जो चैप्टर मैंने फिनिश किया है, अपन ने एक चैप्टर करवा दिया है यहाँ पे, टेंथ करवा दिया है, टेंथ का नाम था हेलो एल्केन हेलो एरीन और या हेलोजन डेरिवेटिव्स, अलग अलग नाम है RBSC CBSE में। 11th अल्कोहल फिनॉल ईथर, जिसका दूसरा नाम RBSE में था ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल पार्ट फर्स्ट, वो अपन ने कंप्लीट कर दिया यहाँ पे। अब आज जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो 12th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसमें भी ये नाम है ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप पार्ट सेकंड। तो वो अपन नेक्स्ट पीरियड में अपन आज ये स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर्स, जो ऑक्सीजन कंटेनिंग पार्ट सेकंड जो है वो चैप्टर चालू करेंगे। तो जितनी भी रिएक्शंस, ये इस रिएक्शंस को अपन पहले इसलिए करवा रहे, देखो मैंने जो आगे है तीन चैप्टर करवाए हैं इनऑर्गेनिक मतलब फिजिकल केमिस्ट्री के। फिजिकल केमिस्ट्री में फर्स्ट था अपना सॉलिड स्टेट, फिर सॉल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स, ये तीन करवाएं। और उसके बाद DF लॉग भी अपन ने करवा दिया था, ये चार चैप्टर अपन ने उसमें करवा दिए हैं। और इसके जो चैप्टर हैं ऑर्गेनिक के, दो चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि आपको इन चैप्टर्स को मेरे को बीच में इसलिए करवाना पड़ रहा है क्योंकि जितनी सारी रिएक्शन हैं उनको आपको ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करना है। अगर लास्ट में करवाएंगे तो वो रिएक्शंस आपके इतनी ज़्यादा लर्न हो नहीं पाएगी, लास्ट में करवाते हैं इन चैप्टर्स को तो इतना ज़्यादा आप प्रिपेयर नहीं कर पाते। लेकिन अभी बीच में इसीलिए मैंने टाइम दिया है कि आप इन रिएक्शंस को लिख लिख के लर्न करें, जो भी टॉपिक बोर्ड पे पढ़ाया गया है उनको वापस ध्यान से देखें, कैसे आपको रिएक्शन करनी है, कैसे कोई भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है और क्या क्या चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ें। और भी अपन एक बार जो ऑर्गेनिक ख़त्म हो जाएगी उसके भी बाद में अपन एक रिवाइज करेंगे कि भाई कौन कौन से चैप्टर्स में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या क्या चीज़ें काम की है, ये सारी चीज़ें ध्यान रख के आपको स्टडी करनी है और रेगुलर स्टडी करनी है। अगर ज़्यादा ब्रेक आता है तो फिर स्टडी डिसकंटिन्यू हो सकती है, लेकिन आपको रेगुलर करनी है, रेगुलर रिएक्शंस को लर्न करना है। जितनी भी आप डेली के अगर 10 रिएक्शंस भी करते हैं तो एक महीने में आपके 300 रिएक्शंस तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से प्रॉपर प्लानिंग करके इन रिएक्शंस को लर्न करना है। अब इसके बाद में इसीलिए मैं चैप्टर अब नेक्स्ट यही ले रहा हूँ, रिएक्शंस वाला ही है। हालांकि थोड़ा सा इसमें बर्डन ये लगता है कि आपको लर्न करने में दिक्कत आती है क्योंकि अब छुट्टियों की आदत पड़ गई है आपको,
तो फिर भी आपको ये प्रैक्टिस यही करनी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स की रिएक्शंस है उनको लिख के, और उसमें से भी नाम वाली रिएक्शन जिसमें आती है, जैसे विलियमसन बोला मैंने, या अपन ने बोला ग्रिगनार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शंस, ये रिएक्शन जिसमें नाम आता है, ऑक्सी मर्क्यूरेशंस, हाइड्रोबोरोनेशंस, ये रिएक्शन जिसमें नाम आता है उनको ज़्यादा ध्यान देना है। तो अपन नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, 12th चैप्टर, ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप पार्ट 2। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।